नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो सम्मान ही नहीं हुआ। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम पर आपको भ्रमित किया जाने लगा। किस तरह से? जब भी चुनाव आते हैं आप लोग ना स्वास्थ्य पर बात करें, ना आप रोजगार के बारे में सवाल पूछें, ना आप अपने नेताओं से पूछें कि भैया 5 साल में तुमने क्या किया, और हिंदू मुस्लिम अब धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आने लग गया, तो उसके साथ साथ एक बैकअप प्लान क्या है? स्वतंत्रता सेनानियों को आपस में लड़ा दीजिए, उनमें से कोई तो आकर बताएगा नहीं कि ऐसा कुछ था नहीं। अब ये देखिए, इतनी प्यार भरी चिट्ठी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी जवाहरलाल नेहरू को। इसमें आपको चिंता, प्यार, स्नेह, एक दूसरे के प्रति लगाव और सम्मान सब दिखेगा। उन्होंने लिखा, प्रिय जवाहर, मुझे आपका 22 तारीख का भेजा खत 27 को मिला और उसके मिलने से मैं बहुत आनंदित हूँ। अखबारों से मुझे समझ आया कि आप जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं और मुझे आपके स्वास्थ्य की चिंता हो रही थी। मुझे खुशी है, भले ही बहुत कम समय के लिए, लेकिन आप आराम करने के लिए मसूरी तो गए। मैं जानता हूँ आप काम के ओवरलोड से मुंह नहीं फेर पाएंगे, ऐसा करना आपके लिए बेहद मुश्किल है। इस बात के लिए मैं आपकी सराहना करना चाहूंगा, मगर खुद को बहुत ज्यादा तकलीफ भी ना दें। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ा तो उससे किसी का भला नहीं होगा। आपने अपने जीजा रंजीत के बारे में जो बताया सुनकर अच्छा नहीं लगा, वहीं ये जानकर तसल्ली हुई कि डॉक्टरों का कहना है चिंता की कोई बात नहीं, शायद माहौल और वातावरण बदलने से उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी आंतों में थोड़ी सी तकलीफ है, इस वक्त गले में संक्रमण की वजह से मुझे बुखार है, लेकिन वक्त के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। कृपया आप अपने पुस्तकालय में देखें, अगर आपके पास इनमें से कोई किताब है तो मुझे भेज दें। एक बार में एक या ज्यादा से ज्यादा दो ही किताबें भेजिएगा। अब किताबों के नाम पढ़िए, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ यूरोप, क्लैश ऑफ कल्चर एंड कॉन्टैक्ट ऑफ रेसेस, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ आवर टाइम्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1918-35, साइंस एंड द फ्यूचर, अफ्रीका व्यू, चंगेज खान, द ड्यूटी ऑफ एम्पायर। आगे वो लिखते हैं, अगर इनमें से कोई किताब नहीं है उसकी जगह आप हाल फिलहाल में आई कोई नई दिलचस्प किताब भेज दें। ये किताबें आप केयर ऑफ पुलिस अधीक्षक दार्जिलिंग के पते पर भेजें। सप्रेम आपका स्नेहाकांक्षी सुभा। पहले आपको ये बताने की कोशिश की जाने लगी कि देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो सम्मान ही नहीं हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भुला दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना ड्यू क्रेडिट नहीं दिया गया हिस्ट्री में, नेताजी सुभाष ज्यादा बड़े हीरो थे। इस तरह से आए दिन सिर्फ हिंदू मुसलमान में ही लड़ाने की कोशिश नहीं, बल्कि वो जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो एक साथ मिलकर देश के लिए काम करके चले गए, उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। वो भी ऊपर से देखते होंगे ये हो क्या रहा है हमारे देश में, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के बीच लगातार आपके सामने नेहरू हेटर बनाने के लिए आपको ये भ्रमित करते हुए बताने की कोशिश की जा रही है कि इन दोनों के बीच में बनती नहीं थी, कि नेहरू उनका अपमान करते थे और कांग्रेस ने हमेशा उनका अपमान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी भी पसंद नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि आप कई 100 पन्नों की किताबें बैठकर पढ़ेंगे नहीं। आकत ये है कि आप लोग ये मानना ही नहीं चाहते हैं कि आपस में अगर किसी के साथ विचारों में मतभेद हो किसी मुद्दे को लेकर, तो भी वो शख्स, वो व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। गलती आपकी नहीं है, आपके सामने इस तरह की राजनीति आज रख दी गई है और आपका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आपको ऐसा ही लगता है कि जो आपके विचारों से सहमत ना हो आप उससे नफरत करने लगे, जो आपके विचारों से सहमत ना हो आप उसे देशद्रोही मानना शुरू कर दें, जो आपके विचारों से सहमत ना हो आप उससे लड़ लें। तो यही तो खूबी थी उस समय जो आज आपको देखने को नहीं मिलती, इसलिए गलती आपकी नहीं है। आप कैसे मान लेंगे कि ऐसा भी हो सकता है कि चाहे पटेल हो, नेहरू हो, उनके बीच में किसी मुद्दे को लेकर अगर मतभेद भी है, बिना डरे, बिना यह सोचे कि यह सारी बातें सामने आ जाएंगी, उनके बीच की जो भी चिट्ठियों में बातचीत हुई है वो सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में, इतिहास का हिस्सा है। सुभाष चंद्र बोस के जो मतभेद महात्मा गांधी से रहे हो, या फिर उसको इस तरह से बोले कि गांधी के जो मतभेद सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे हो, वो भी आपके सामने है, लेकिन वो सब किताबों में है, व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उसके लिए पढ़ा लिखा होना पड़ता है, उसके लिए किताबें पढ़ने का जुनून होना चाहिए, उसके लिए असली इतिहास को समझने और मानने के लिए जिगरा होना चाहिए। पर वो लोग कैसे समझेंगे जो कई साल तक तिरंगे को अपनाना ही नहीं चाहते थे। इसलिए आपके सामने ये दिखाया जाता है कि किस तरह से ये लोग लड़ते थे, ये लोग लड़ रहे हैं, और ये लोग कैसे अलग अलग हैं। बांटने की राजनीति सिर्फ आपकी जाति और धर्म के साथ नहीं हो रही है, किस तरह से आपके दिमाग को, आपके स्वतंत्रता सेनानियों को बांटकर आपके सामने ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कोई भी आपको भड़का नहीं सकता, बरगला नहीं सकता, जब तक कि आप खुद ना चाहें। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को तो भुला दिया गया। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को कैसे भुला दिया गया? देश भर में और सिर्फ दिल्ली में कितनी इमारतें, सड़कें सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हैं। नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पता ही है ना आपको, दिल्ली के द्वारका में है, बहुत नामी ग्रामी संस्थान है, वो नेताजी सुभाष के नाम पर ही है। DCAC कॉलेज आपको पता है ना, वो नेताजी नगर में है। नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क है, पीतमपुरा में मेट्रो स्टेशन है, नेताजी सुभाष प्लेस तो आपको पता ही होगा वो तक है, टीकरी गांव के पास आजाद हिंद ग्राम मेट्रो स्टेशन है, टीकरी गांव में ही आजाद हिंद ग्राम बनाया गया है। आपके अपने बच्चे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जाते होंगे, कोई ना कोई नेताजी बनता हुआ वहां पर जरूर दिख जाता होगा। किसने भुलाया है? खुद भुला दिया शायद, और अब याद आए हैं इसलिए उन्हें लगता है कि आपने भी भुला दिया। ना इस देश ने कभी सुभाष चंद्र बोस को भुलाया, ना हमने कभी भुलाया। बचपन से लेकर बड़े होने तक उनके बारे में सम्मान के साथ ही पढ़ा और सम्मान के साथ ही उनको देखा,
लेकिन आज आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है, उनको लगता है कि इतने सालों तक जो हुआ, क्योंकि सब लोगों ने बहुत गाने बजाने के साथ सड़कों, इमारतों, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्क, इन सब के नाम नहीं रखे, बस रख दिए, तो उनको लगता है कि गाने बजाने के साथ अगर मूर्ति लगा दी जाए, स्टैचू लगा दिया जाए, तो वो उनके लिए सोचने की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे की राजनीति भी समझिए। टीएमसी ने यह आरोप लगाया कि रिपब्लिक डे परेड में जो झांकियां सिलेक्ट हुई हैं, उसमें जानबूझकर, उनका आरोप है कि जानबूझकर उनकी कन्याश्री योजना, जो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड है इवन बाय यूनिसेफ, उसे दिखाते हुए जो झांकी उन्होंने रखनी चाहिए थी रिपब्लिक डे परेड में, उसे मंजूरी ही नहीं दी गई जानबूझ के, और यह पॉलिटिकल है। इसके जवाब में बंगाल की जनता को ऐसा ना लगे, सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम अभी आपके सामने है और उसके बाद बहुत जल्द आपके सामने मूर्ति भी होगी। अचानक से सुभाष चंद्र बोस को एक दिन सिर्फ सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, गलत गलत इतिहास के साथ, मीम्स के साथ अगर याद किया जा रहा है आपके सामने, क्या वो है उनके लिए सही श्रद्धांजलि? या सही श्रद्धांजलि ये होगी कि सही तथ्यों के साथ सुभाष चंद्र बोस को आपके सामने दिखाया जाए, बजाय इसके कि दिन भर सिर्फ ये राग अलापा जाए कि उनका सम्मान नहीं हुआ, उनका सम्मान नहीं हुआ, और जैसे आप ही कर रहे हैं सारा सम्मान, तो मंशा क्या है? जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, इतिहास में से निकालकर एक नायक को हड़पने की जो कोशिश होती है, अगर वो आपको साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रही, तो अपना चश्मा थोड़ा सा साफ कर लीजिए, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। परिवार टीवी, खबर अच्छी, बात सच्ची।